Good morning, class. We start chapter number 7, the climate of our country. हम इस chapter में अपनी country का climate, अपनी country की climate के बारे में जानेंगे. Okay. Let's start the chapter. In the previous lesson, we have learned about the physical feature of India such as mountains, plains, desert and plateaus. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना है, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यूज. इन सब के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. सम प्लेन्स आर क्लोजर टू द सी. कुछ प्लेसेस हैं जो कि क्लोज हैं सी के पास हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं. ऑल दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री. और जो हम इन्फ्लुएंस फैक्टर हैं, क्लाइमेट्स हैं, ये हमारी कंट्री. ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, ये सारे फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंट्री को, कंट्री की क्लाइमेट को. फॉर एग्जाम्पल, प्लेसेस नियर द सी हैव कूलर. जो भी प्लेस होते हैं नियर के सी में, सी के पास, वो क्या कर, वो कूलर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है. देन दोज प्लेस विच आर फार फ्रॉम, उसके जैसे कि जो सी के पास का एरिया होता है वो ठंडा होता है, और जो सी से दूर का एरिया होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, गर्म होता है. ओके, दिस रीजन लोकेटेड इन माउंटेन्स एंड हिल्स आर कूलर देन प्लेस इन द प्लेन्स. देखिए, जैसे कि रीजन लोकेटेड, जो भी रीजन लोकेटेड है माउंटेन्स एंड हिल्स में, वो कैसा रीजन होता है, ठंडा होता है, वहां पे ज्यादा ठंड होती है. देन द प्लेस इन द प्लेन, अगर प्लेन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माउंटेन्स पे ज्यादा ठंड होती है, कूलर होता है, ठंडा होता है वहाँ पे. इफ यू विजिट प्लेस लाइक मुंबई एंड शिमला, अगर कभी शिमला और मुंबई विजिट करते हैं, यू विल बी नोटिस द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ दीज टू प्लेसेस. और आप वहाँ देखेंगे कि ये दो प्लेसेस जो हैं, शिमला एंड मुंबई, वहाँ की क्लाइमेट कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर फैक्टर्स, ऑन अदर फैक्टर्स. जो क्लाइमेट होता है एक प्लेस का, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, लाइक टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. ये सारे फैक्टर हैं हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट और वेदर में क्या क्या डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे. इन अ मेजर ऑफ टाइम, वेदर शोज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड. जो वेदर शो करता है एटमोसफेयर की कंडीशन, वो किसके ओवर अ शॉर्ट पीरियड, वो बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए दिखाता है वेदर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं हम, वेन We say that is hot and humid today. जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का दिन कैसा है, hot and humid है, means गर्म है और नमी है. We refer to the weather of the particular day. Okay. The climate of place refer to वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टू टाइम. जो क्लाइमेट होती है उस प्लेस को रेफर करती है, उसकी जो वेदर कंडीशन जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेस वी रेफर टू हाउ टू हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडा और गर्म, कैसे कोई प्लेस ठंडा और गर्म होता है, ड्राई और वेट होता है, मीन सूखा और वेट, नमी. अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो पीरियड होगा वो लॉन्ग पीरियड होगा, और वी रेफर टू हाउ हॉट मतलब हॉट एंड कोल्ड होगा, ड्राई एंड वेट होगा वहाँ का क्लाइमेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट दिल्ली, जैसे हम दिल्ली को एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कहता है कैसा होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. इट मीन्स दैट दिल्ली हैज एवरी सॉरी वेरी हॉट, मतलब दिल्ली में जब समर टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, एंड विंटर
वेरी कोल्ड, और ठंड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है। सी दिस पिक्चर्स। फर्स्ट है हमारा प्लेस इन हिल्स माउंटेन आर कूलर। जो जो भी प्लेसेस हिल्स में होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, वो कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। ओके, डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। ये डेजर्ट एरिया है, या जो एरिया है ये कैसा होता है? हॉट होता है एंड ड्राई होता है, गर्म होता है और सूखा होता है। सी दिस कोस्टल एरिया हैव कूलर क्लाइमेट। जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, सी के पास के जो एरिया होते हैं, उन्हें हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? कूलर क्लाइमेट, मीन्स वहाँ भी ठंडा क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट वन हमारा, सम पार्ट ऑफ इंडिया आर वेरी कोल्ड। कुछ इंडिया के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होते हैं। सम आर हॉट, कुछ कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। सम आर ड्राई, कुछ ड्राई होते हैं। एंड सम रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। और कुछ पार्ट इंडिया के जो हैं वो बहुत ही हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ड्यू टू फैक्टर लाइक वेरिएशन इन टेम्परेचर, वो कैसे, उनका जो फैक्टर फैक्टर होते हैं इन सबके, वो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। रेनफॉल एंड विंड। इंडिया एक्सपीरियंस थ्री मेन सीजन। इंडिया में थ्री मेन सीजन होते हैं। फर्स्ट समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। समर सीजन मीन्स जो गर्मियों का सीजन होता है, रेनी मीन्स जो बारिश का सीजन होता है, विंटर इज जो ठंडियों का सीजन होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वी रीड अबाउट द समर सीजन। ओके, समर सीजन के बारे में। द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च। समर सीजन कब से स्टार्ट होता है? मिडिल ऑफ मार्च से, एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। और वो कंटिन्यू रहता है कब तक? टिल द एंड ऑफ जून, जून के अंत तक। इन द नॉर्दर्न इंडिया द टेम्परेचर राइजेस स्लोली एंड बाय मे। जो नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा मतलब गर्म होता है। मई में इट बिकेम वेरी हॉट। जब गर्म तो होता ही है, बट मई टाइम में वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ, और जून तो हॉटेस्ट मंथ है, मीन्स बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है जून में। एंड द हीट बिकेम अनवेरिएबल बिकॉज द हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू। और जो जून में जो गर्मी होती है वन अनवेरिएबल होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। और बिकॉज उसका रीजन ये है, हॉट एंड ड्राई मीन्स सूखी और गर्म विंड वहां पे फ्लो करती है, उसको हम कहते हैं लू। द हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू विच ब्लो ओवर द होल द नॉर्दर्न इंडिया। जो कि गर्म और सूखी हवा जिसको हम लू कहते हैं, वो होल्स पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहती है, मीन्स चलती है। सच हीट वेव्स आर कॉमन इन स्टेट लाइक, जो ये हीट वेव्स हैं, हवाएं हैं, ये सेम ही होती कुछ कॉमन स्टेट में, लाइक बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ये सारी जगह पे ब्लो करती हैं, लू जिसे हम कहते हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर। जो समर में डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं देन द नाइट, जबकि नाइट छोटी होती है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जो शाम होती है वो मतलब लगभग 8 बज जाता है, तब जाके अंधेरा होता है। डस्ट स्टॉर्म आर ऑल्सो वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। और डस्ट स्टॉर्म मीन्स आंधी, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है इस सीजन में। ओके, ये भी ब्लो करती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। साउथ इंडिया इज लेस हॉट एंड मोर ह्यूमिड। साउथ इंडिया लेस हॉट मीन्स बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, और मोर ह्यूमिड होता है, मीन्स जो हवा में मॉइस्चर होता है, चिपचिपा मॉइस्चर होता है, ऐसा होता है वहां पे। दिस इज बिकॉज द सराउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा साउथ का एरिया है वो तीनों साइड सी से घिरा हुआ है। ओके, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड सम पार्ट, सॉरी, सी से घिरा हुआ है। द कूलर सी ब्रिज मेक्स अ कोस्टल एरिया कूलर। और जो
सॉरी द कूल सी ब्रिज, जो कूल सी ब्रिज होते हैं, सी के जो ब्रिज होते हैं, मेक अ कोस्टल एरिया, जो भी कोस्टल एरिया है उसे क्या करते हैं, ठंडे करते हैं। सम पार्ट्स इवन रिसीव हैवी रेनफॉल, और कुछ पार्ट में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन, टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन, ओके देन स्टार्ट द ओके रेनी सीजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।